हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अमरीर और मैं नाम अमर है। तो आज मिल गया एंडी नंबर वन का दूसरा पार्ट भी मिल गया। मजा आ रहा है यार देखकर, कमाल का ये जो पार्ट है ना, खास कर राजा बाबू, वो बड़ा एक्टर फनी है। जो गुंगा भी है ना वो विलन, वो बड़ा आरा भी लगता है मुझे। बड़े यार काला ठाकुर, जितने भी सारे एक्टर है ना, मुझे इंजॉय हम करें इस खास कर इस जो मूवी है ना, ये वाली लाजवाब है भाई। राजा बाबू की जो एक्टिंग हमने देखी है ना, पूरे का पूरा हम शौक हो गए, सब इसके पीछे पड़ गए बगैर हम देरी के। भाई हम देखते हैं भाई, यार प्ले कर रहे भाई। तो फिर वो मर्द की आवाज कही, वो म्यूजिक टीचर सर में दर्द हो रहा है। मैं तो एक मासा दूँ। चलो बेडरूम में चलिए। बेडरूम
मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा लफड़े नहीं है, मैं बेडरूम में आराम करती हूँ। बेडरूम में चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। चलते अरे क्या हो गया दीदी महाराज को? बैठ लीजिए बैठ। आंटी जी के पेट और सर में दर्द है। आपकी तारीफ? मेरी फूफेरी बहन है, इन पे भी नजर है क्या? नहीं रानी साहबा, हमारे गांव में एक लेडी डॉक्टर है, उन्हें औरतों की खुफिया बीमारी को बहुत पकड़ को निकालती है। उनको बुला बुला हूँ। लेडी डॉक्टर को तो मैं कभी नहीं दिखाऊंगी। मालूम है, मैंने मुंबई में एक बार लेडी डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगी कि आपको डिलीवरी प्रॉब्लम है। डिलीवरी प्रॉब्लम? मैंने कहा डिलीवरी नहीं तो प्रॉब्लम कैसा है। और वही जब मैंने फॉरन में गेम डॉक्टर को दिखाया तो मुझे कहने लगे कि आपको कोई डिलीवरी प्रॉब्लम नहीं है, मांगते हैं उतने बच्चे पैदा कर सकती हैं आप। क्या कुछ खबर सुनाई? जी हरा कर दिया, इससे तो कांदा रियासत को उसका चश्मा चिरा उसका वारिस मिल जाएगा। इस सिलसिले में मेरी कोई भी खिदमत की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। दरगा पकड़ के बैठ जाइए, इस सवाल ऐसे ख्याल से भी अटैक आता है। मेरे को नहीं आता आएगा, मैं घी पिया हुआ ना। ए संभाल रे। लेकिन हमारे आभा से महाराज को लड़का होने की कितनी आरजू थी? कौन आभा है? कैसा बात करती है आप दीदी महाराज? आभा से महाराज को आप इतनी जल्दी भूल गई? क्यों, कौन थे वो? आपके पति। और कांदा की जनता तो उनको भगवान की तरह पूछती थी। महाराज जिनकी होती है पूजा, अंदर से वो आदमी होता है तूजा। अभी जनता को क्या मालूम कि अंदर वो मेरा क्या हाल करते थे। अगर तू तो आपको कैसे बताते थे? शराब की किताब पढ़ते थे, शराब मुंह में टपकाते जाते थे और मुझ पे कोड़े बरसाते जाते थे। राम 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 राम, मैं इसी भयानक बात नहीं सुन सकता। देखो काम का एड्रेस भूल गए। क्या क्या है ये, क्या कह रही है आप दीदी महाराज? आप ऐसे महाराज को शराब, वो तो कभी शराब की बूंद को भी हाथ नहीं लगाते थे। तो मैं क्या कह रही हूँ कि वो शराब की बूंद को हाथ लगाते थे, डायरेक्ट बोतल मुंह को लगाते थे। देखो इनको मर के इतने साल हो गए मगर आज भी उनके मुंह की शराब की बदबू मेरे मुंह से आती है। क्या बात है सर, अगर चखे तो देख लो। नीट ब्रांडी की महक आ रही है, देखो। क्या मतलब? मैं ब्रांडी पीती हूँ? नहीं, ये उनके मुंह की महक है। क्या है बे? जाने जाओ मसी। क्यों गंदी गंदी बातों को खोद रही हो? शराब के अलावा कांदा के महाराज को और क्या क्या शौक थे? शराब के अलावा इनको एक ही शौक था, नाच गाने का। और शराब पीने के बाद वो मेरा ही नाच देखना पसंद करते थे। अच्छा, आप नाचती थी? अगर नहीं नाचती थी ना तो वो मुझे कोड़े मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ना सकते। यहाँ पर मर बैठे हैं ना, वरना मैं आपको पीठ खोल के दिखाती। देखो राली साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अभी इन्हें रेस्ट करे तो बड़ा अच्छा नहीं होगा। वैसे भी बहुत पेट में दर्द है, अगर वो बढ़ गया तो इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा। अरे उसकी फिक्र मत करो, हमारे गांव में लेडी डॉक्टर का नाम मत लेना, वरना मैं गाना नहीं गाऊंगा। आपको मेरी कसम, आप गाना नहीं गाएंगी। सर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, गाना कैसे गाएंगी? नहीं नहीं, लड़कियों का दिल है ना, है ना, मैनेज कर लूंगी। लेकिन देखो कोई हंसने का नहीं है। आपकी मजाक उड़ा, मेरे को तुम पर ही पहला डाउट है। घबराना नहीं, अभी दिखाती हूँ। अरे अरे और तो आ गया, जो मैं गया था ना सर, बाहर पार्टी खड़ी है, उन्हें चेक देना है, जरा साइन कर दीजिए। लेकिन सर अगर उन्हें चेक नहीं दिया तो हमें डिलीवरी नहीं मिलेगी और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर आपको साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, रामनाथ से किसी तरह 5 लाख का चेक साइन करा लो। मुझे पहले से ही शक था कि सामने वाली कुर्सी पर जो आदमी बैठा है वो मेरा बॉस नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। ज्यादा नाटक मत कर, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम्हारा बेटा बंटी हमारे कब्जे में है, उसकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप लौट जाओ। गोपी गोपी, हम बर्बाद हो गए गोपी, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, तू जल्दी आ जा गोपी। हाँ, फिक्र मत करो भैया,
मैं अभी आता हूँ। कॉकरोच, ये नॉन वेजिटेरियन दूध तो मैं नहीं पी सकती। आउट ऑफ द विंडो। बिल्कुल गधे के बच्चे हो तुम। अगर उसने पुलिस के सामने अपनी जबान खोली तो हम सब मारे जाएंगे। जैसे भी हो उसे फार्म खत्म करता। अंकल, आप बोल में तो हैं, इतनी ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं। अगर सत्या ने सुन लिया तो? बच्चे हो तुम और बच्चे ही रहो। मैंने रोज की तरह संध्या के दूध में नींद की गोलियां मिला दी है। अब वो आराम की नींद सो रही है। मैं खुद देखकर आ रहा हूं। हेलो। कौन? हाँ मैं बोल रहा हूँ। सर उससे फिर भागने की कोशिश की। क्या? अगर इस बार वो भागने की कोशिश करे तो उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। मैं भी कल आकर देखता हूँ कि वो कागजात पर दस्तखत कैसे नहीं करता। अगर इस बार वो भागने की कोशिश करे तो उसे फौरन गोली मार दो। मैं भी कल आकर देखता हूं कि वो कब। इसे साबित होता है कि ये आदमी बोल सकता है और संध्या का डैडी नहीं। मगर इस बात का पता कैसे लगेगा कि हमारा बंटी और संध्या का डैडी इस वक्त कहाँ है? माय डियर, माय डियर, माय डियर। परेशान जी, इस वक्त परेशान मैं नहीं, परेशान तुम। वैसे तो मैं कल की शूटिंग के बारे में तुम्हें बताने आया था कि शूटिंग कहाँ है, लेकिन यहाँ तो सीन कुछ और ही चल रहा है जिसके डायलॉग मैं पूरी तरह सुन चुका हूँ। परेशान जी, वो मेरा भतीजा। भतीजे के बारे में भी सुन चुका हूँ और संध्या के डैडी के बारे में भी सुन चुका हूँ। माय डियर, वैसे तो मैं खुद एक प्रसिद्ध आदमी हूँ। मेरी स्टोरी का पता नहीं, फाइनेंस का ठिकाना नहीं, हीरो डेट नहीं दे रहा। हीरोइन कहती है पूरे कपड़े पहनूंगी, लेकिन आज मैं हीरोइन के कपड़ों की परवाह ना करते हुए तुम्हारे लिए इस केस का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह शगनर था। अरे था क्या, बल्कि रहूंगा। लेकिन तुम पर्दाफाश करोगे कैसे? टेप रिकॉर्डर में टेलीफोन के डायल की आवाज चीख कर कह रही है कि इस नंबर का पता क्या है। मैं कुछ समझ नहीं सकता। इस सिचुएशन में तुम कुछ समझ भी नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर दिया जाए। ये लीजिए। टेंशन है पर रिवाइंड करना पड़ेगा। रिवाइंड हो रहा है। अच्छा, हो गया। प्ले करता हूं जी। प्ले हो रहा है। 8 3 7 5 4 2 2 6 837 54 26। टेप रिकॉर्डर वापस लिया जाए। ये है नंबर, अब इसका पता लगाना है। मगर इसका पता कैसे लगेगा? डायरेक्टर से ज्यादा सवाल ना पूछा जाए, डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा, आगे का सीन डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए होल्ड इट, हैव पेशेंस। टेलीफोन कहाँ है? हेलो, 197 बोल रही है जी। मैं परेशान जी नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मेरा नाम परेशान है। क्या आप 837 54 26 का पता बता सकती हैं? हाँ हाँ है। ओ बंटे, ये हरामखोर कहाँ से आ गए? बंटे, 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 बंटे। चाबू
मुझे लगता है ये वो जगह ही नहीं है। तू जैसे मारूंगा फोन यहाँ से आया तो जगह भी यही होगी ना। मार देना जूता। बंटी का जूता लगता है बंटी ऊपर है। ऊपर मत देखना कोई नहीं है भाई नहीं है यहाँ पर निकले यहाँ से। आइए भाई साहब आइए आइए। वो तो सटक गए लेकिन आप लटक गए। भाई साहब आपका ये बचपन का फैन आपका एक ऑटोग्राफ चाहता है। दे दीजिए ना प्लीज। जाओ सब लोग वरना बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। आइए आइए रामनाथ जी आइए। दोस्तों आप हैरान ना हो यह है रामनाथ जी मेरा हम शकल सीधा सादा भाई जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। यह खुशनसीब था क्योंकि मां इसके साथ थी और मैं बदनसीब बहुत बदनसीब क्योंकि मैं जुर्म के आंचल में पला। शराब की भट्टियां लगाना जुए के अड्डों पर काम करना खबरें पहुंचाना ये मेरा बचपन था। चरस अफीम गांजा ड्रग्स ये मेरी जवानी थी। जब मैं जुर्म की दुनिया के उरूज पर पहुंचा तो पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। भेस बदलकर कानून से बचता बचता मैं राजस्थान से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचा। आखिर एक दिन जब इससे टकराया। रामू मुझे पुलिस की गोली लगी है। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रामू मदद तो तुम्हें मेरी करनी होगी। यहां से यहां और इस तरह से कल की गुनाहगारी की दुनिया का कमलनाथ आज की ईमानदारी की दुनिया का रामनाथ बन गया। इसके वफादार कुत्तों को हटाकर उनकी जगह अपने पालतू कुत्तों को बदलते बदलते मैं खुद इतना बदल गया कि आज उधर तुमने मुझे उसके मैनेजर का खून करते हुए देख लिया और इधर रोज रोज चेक पर साइन करने की बहानेबाजी से तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया। बहुत मजबूरी में मुझे इस बच्चे का किडनैप करना पड़ा क्योंकि तुम्हारा बेवकूफ भाई मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन जा रहा था। लेकिन अब तुम सब मेरे चुंगल में फंस गए हो और मुझे मुझसे पंगा लेने वाला कोई आदमी भी रास नहीं आता। हे भगवान मुझे माफ कर। आज मेरे हाथों से कई खून होने वाले हैं। मैं मजबूर हूं। हाँ तो भैया खबरदार विलन ग्रुप हीरो ग्रुप पर अब हावी होना बंद कर दे। उसका रीजन ये है कि पुलिस ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया है। और हाँ एक बात और कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे और अगर करे तो सिर्फ कोशिश करे हिले बिल्कुल नहीं। विलन भैया वैसे तो मैं खुद प्रशिक्षित आदमी हूँ। तेरी स्टोरी का पता नहीं फाइनेंस का ठिकाना नहीं हीरो डेट नहीं दे रहा। हीरोइन कहती है मैं पूरे कपड़े पहनूंगी लेकिन फिर भी मैं इस कॉम्प्लेक्स में तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स देने के लिए यहाँ आ पहुंचा हूँ। हंसमैनो मुझे पता था तुम मुझ पर अटैक करने आओगे लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि डायरेक्टर क्या करने वाला है। क्या करने वाले हो? आगा। 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 आगा।
सारे एक्टर थे हमने देखी, मैंने मुझे मजा आ गया। तो खासकर वो गूंगे की जो एक्टिंग है हमारे जो विवेक भाई थे उसको भी विलन बना दिया भाई। दो चार हमने मूवीज में उसको भी देखा, बड़ा अच्छा था, मगर इस बार तो वो भी गुंडा था। बाकी लास्ट में हमने देखा भाई कमाल कर दिया राजा बाबू ने, गरीब दोस्त को औरत बना डाला वो मजा आ गया। अच्छा मैं पता चला कि भाई ये दो थे, दो भाई थे। हम गूंगे को भाई बुरा भला कह रहे थे कि वो बोल सकता है बड़ा आराम ये, पर नहीं भाई वो आराम ये लगे गूंगा अलग था यार। बड़ा मजा आया ये वाला देखकर। काला टाकर भी बड़ा अशाणा है भाई, देख रहा है मुझे पहले से शक था तुम भाई बोल सकते हो। पुलिस स्टेशन जा रहा था जब भाई वो हमारा जो राजा बाबू वहां पर पहुंच गया इनके अड्डे पर, तो वो कहता ये कौन हराम पहुंच गया। ये भाई बड़ा मजे वाला था आज भाई, मजा आ गया। ये राजा बाबू ने भाई उसको बुढ़े कोई भाई गरीब दोस्त कोई वो आंटी बना दिया भाई, वो बड़ा था ना। वो लास्ट में इसको नहीं बनाता भाई, पहले से बनाता ना। बड़ा मजे वाला ये वाला आंटी भाई, मोटी आंटी बन गई। बड़ा मजा आ गया यार, क्या पूरी मूवी जबरदस्त थी भाई। आंटी बनी ना, पूरा मजा आ गया भाई, मुझे एंजॉय किया बहुत।